अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। लूज टॉक में यूं तो तकरीबन 200 से ज़्यादा मेहमान आ चुके हैं, मगर आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज जो मेरे मेहमान हैं पढ़े लिखे आदमी हैं, माशियात पे आपकी गहरी नज़र है और इनका लूज टॉक में आना मेरे लिए बाइस इज्जत है। तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप माहिरे माशियात हैं। अब शुरू में जब आए थे तो क्या कहा सर? मैं हम ये कह रहे हैं कि हम माहिर माशियात थे 15-16 साल पहले माहिरे बदमाशियात हो गए। माहिरे बदमाशियात सर आपका एक नाम है? गए उसमें नाम तो क्या कहा? एक्चुअली जब हम माहिरे माशियात थे तो हमारा एक नाम था, करेक्ट? जब माहिरे माशियात थे एक नाम था, जब बदनाम हुए तो माहिर बदमाशियात हो गए। तो आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की? जो भी दुनिया में करो एकदम सारा आ जाता। सर ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो जो आप कह रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वही है कि आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी। बात यह है कि इंसान को उसके किए की सजा इसी दुनिया में मिल जाती और हमें अपने किए की सजा पीएचडी की शक्ल में मिल गई। सर मैं आपसे संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप जो जो कुछ गए क्या कहा? हाँ कीजिए। तलम्बा था? हाँ। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल मैं ख्वातीन को योगा सिखा रहा हूँ। क्यों? सुनिए क्या कहा? मेरी मर्जी। योगा सिखाओ। एक योगा का एक फायदा। हाँ क्या कह रहे हो? आपको योगा आता है? अपना खुद ही आप अपने जवाब को दुरुस्त कर ले। मैं अब नहीं कहूँगा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बुरा लगता है मुझे। देखो आपको योगा आता है फिर ख्वातीन को कैसे सिखा रहे? मैं ये है कि ख्वातीन जो हैं उनको कोई बात भी बता दो और ये कह दो कि ये योगा है, यकीन कर लेती। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप मेरी समझ में नहीं? बस सर प्लीज ये इंटरव्यू हो रहा है। उसमें
इसमें क्या पैपिया? आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मैं कह रहा था मैं तो सिर्फ पाइप पी रहा हूँ, आप भी तो पहले सिगार पीते थे, ये कह रहा था। नहीं, एक जज्बा होता है एक मुल्क की खिदमत करने का सर। नहीं, बात नहीं, हमारा जो जज्बा था इस वक्त मुझे ईमानदारी की बात है, जो जज्बा था वो खत्म। आप जो है आप जो अपने उसके किसी हो जाए जो कर दोबारा कहिए सर। असल में मुल्क की खिदमत का जो जज्बा था पहले एक ज़माने में था, अब वो जज्बा ख़त्म हो गया, अब हम अपनी खिदमत कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, अब अपनी खिदमत कर रहे हैं, और जैसे दिल चाहेगा, जब दिल चाहेगा, जहाँ दिल चाहेगा, जिस तरह दिल चाहेगा, हम अपना मर्जी से अपना काम करेंगे। क्या फ़ायदा हुआ इतना पढ़ने लिखने का, ऑक्सफर्ड से पीएचडी इकोनॉमिक्स में, और भी कई डिग्रियां हैं आपके पास, और ख़वातीन को आप योगा सिखा रहे हैं? बहुत बड़ा बताऊँ बातें चला क्या करें दोबारा कहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ योगा सिखाने का फ़ायदा ये है कि ख़वातीन किसी भी पोज में हो खामोश रहती हैं। सर, अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी पर नज़र डालें, किसी चीज़ पर नज़र नहीं हो क्या कहा? मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की इकॉनमी पर नज़र डालो, आप डालें। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, अगर बुरा ना माने तो जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, अगर उस टोन में मैं आपसे एक सवाल करूं तो आप समझ जाएंगे? तुम खुद होगे। मुझे कैसा लग रहा है? समझ में आई मुझे आपकी किताब थी तो बहुत मशहूर हुई किताब। फिर सही मायने उसमें कैसे लेके पढ़ते गए लोग, मैं कैसे चेंज कर लिया, अब चेंज किया इसमें तो फिर करीब वतन से दूर लेकिन फिर भी अपनों के पास खुशियाँ और मोहब्बतें बांटे अपने प्यारों के साथ। पिछले 10 सालों से आपकी मोहब्बतों में शरीक सहूलत बाजार अब ला रहा है एक नई सहूलत। जी हाँ, सालगिरह का केक हो या फिर शादी का मुकम्मल जहेज, पुल से दूर बैठ कर रहे अपनों के पास, आज ही बांटे अपनी खुशियाँ अपनों के साथ। तो अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सहूलत बाजार.com या फिर डाउनलोड कीजिए सहूलत बाजार ऐप।